हाँ जी हाँ जी, देखो हम घर पर ही हैं, सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए अपना डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आपको हम बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे ट्रैवल करने के लिए। इस टाइम पे तो देखो घर पर ही रहने का टाइम है। जस्ट आपको एंटरटेन करने के लिए मैं अपना स्पीति वाला डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आई होप कि यार आपको ये वाली वीडियोज अच्छी लगेंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, प्लस कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा लेना। ठीक है जी, सो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। नहीं, वो कॉल नहीं उठा रहा है ड्राइवर। तो क्या हो गया? हम पैदल चलेंगे आसपास, छोटा मोटा ऐसे एक्सप्लोर करके आएंगे। हाँ, 20 किलोमीटर। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी जर्नी आज की स्पीति वैली के लिए। लकीली आज वो दिन आ ही गया जिस दिन मुझे बैग पैक करके घर से निकलना है इस ट्रिप के लिए। मैं सुपर एक्साइटेड था बिकॉज मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इन ब्यूटीफुल नज़ारों को अपनी इन आँखों से देखने के लिए। और ये मेरा पहला एपिसोड है स्पीति वैली का। इससे पहले जो आपने देखा था वो एक छोटा सा ट्रेलर था। इट्स टाइम टू से बाय बाय। कल ध्यान रखिए अपना, ठीक है बच्चे? खाना वाना खा लियो, मेरा वो नोनू। मिलते हैं फिर 7 डेज के बाद। बाय बाय हरले, बाय 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 बाय, फिर हम मिलते हैं हम आपसे जल्दी जल्दी से, ठीक है? टाटा, गुड बाय। नमस्ते सर, कैसे हो? क्या हाल चाल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो फिर। सो फाइनली कैब आ गई है, कैब में बैठ चुके हैं। कैब में बैठ के अब मैं जा रहा हूँ अक्षरधाम मंदिर। वहाँ से मेरा टेम्पो ट्रैवलर, सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे और वहीं से निकलेंगे। बट ना यार, एक बात बताऊँ, सच्ची में बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, अंदर से ना एक्साइटेड बहुत ज़्यादा वाला हूँ कि यार एक ऐसी वाली जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे ना टेम्परेचर -27 -30 वाला है। देखने को, फील करने को कुछ डिफरेंट ही मिलने वाला है लाइफ में पहली बारी, क्योंकि आज तक कभी मैंने फील नहीं किया -27 -30 -20 डिग्री वाला टेम्परेचर। हद मार के ना, हद मार के 0 डिग्री तक फील किया हुआ है, बट माइनस में ना कभी मैंने फील नहीं किया। लाइफ में पहली बारी फील करने जा रहा हूँ, एक्साइटेड बहुत हूँ पर थोड़ा सा डर भी है कि यार वो जो टेम्परेचर होगा ना वो कैसे का फील होता होगा। क्योंकि जब लाइक एक छोटा सा हम लोग टेम्परेचर हमारा 24 से 18 हो जाता है, 16 हो जाता है ना, तो फील होना शुरू हो जाता है। ये वाला जो है ना, ये एक एक्सट्रीम लेवल है माइनस के अंदर, और माइनस भी छोटा मोटा माइनस नहीं है, 27 30 15 18, लाइक मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना यहाँ पे वो है -15 15 से लेकर मिनिमम जा रहा है -30। तो इसके बीच में टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई दे रहा है गूगल पे, जो मेरा गूगल मैप मुझे दिखा रहा है। तो चलते हैं, एक एक करके सारा ब्लॉग बनेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा। 7 दिन है, 7 ब्लॉग्स कम से कम आएंगे। कोशिश पूरी है कि ब्लॉग्स बने और बातें और प्यार मोहब्बत सारा कुछ बने। ब्लॉग भी बनाएंगे प्लस इसको एज अ ट्रैवल गाइड भी बनाएंगे। चलो चलते हैं। मेरा वैसे जो कैब ड्राइवर है ना वो चाय लेने गया। थैंक यू सर। आगे सर, क्या हुआ, चाय का क्या? बहुत अच्छा। चाय पी भी ली? बड़ी जल्दी पी ली आपने तो। वो रखी थी मैंने, कि तू रखी मैं दे दे। तो गर्म नहीं करी फिर आपने? अच्छा, थोड़ा सा ना बीपी तो ठीक हुआ कम से कम। अच्छा, बीपी ठीक हो जाता है इससे चाय पी के? मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, मैं चाय इतनी पीता नहीं हूँ। मैं थोड़ा बहुत कॉफ़ी वगैरह पी लेता हूँ बट चाय नहीं पीता। तो आपने कॉफ़ी आप पिलाई? अरे कोई नहीं कोई नहीं, रास्ते में बच्चा अगर कहीं मिलेगी तो पियेंगे। अरे शुक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मुझे इतना बोल दिया, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। वैसे बंदा बहुत बढ़िया है, उबर पे ना बंदे बढ़िया बढ़िया ही आते हैं, ये बंदा तो बहुत ही बढ़िया मिला मेरे को। वाह वाह। इनके तरीके बताऊं, कैमरा ऑन नहीं किया था मैंने, कैमरा बाद में ऑन किया है। अच्छा अच्छा। गाड़ी में लाके मैंने सामान रखा। हर ड्राइवर का अपना अपना हिसाब होता है। इन्होंने पहले नमस्ते करी, हालचाल करा, हाय हेलो करा, मतलब एक बिहेवियर की बात बता रहा हूँ कि बिहेवियर देखो कि बंदे का ना लाइक पैसा तो और कोई कमाता है, कोई ज़्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, बट इज्जत प्यार और ये जो है ना इसका तो मज़ा ही अलग है। बंदा बहुत बढ़िया, बंदे के लिए थम्स अप है। थैंक यू। Oh,
वापस। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू जी। मेहनत देख रहे हो, मेहनत कितनी मेहनत करनी पड़ती है बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए। और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर लो यार। देखो 1 2 3 तीन बैग जिंदगी में कभी नहीं उठाए, उठाने पड़ रहे हैं। बहुत कुछ है इसके अंदर, क्योंकि जा ऐसी जगह पे रहे हैं एक्सट्रीम लेवल वाली। ऊपर से साला टेम्पू ट्रैवलर देखो इसमें खड़ा करा हुआ उन्होंने, वहाँ तक जाना पड़ेगा। कोई नहीं, चलते हैं। मैं सो गया था, अभी उठा हूँ। हम लोग मूर्थल पहुँच चुके हैं, मूर्थल पहुँच के कुछ खाने वाने लगे हैं, डिनर करेंगे हल्का फुल्का, ज़्यादा वाला नहीं। मैंने ना अभी किसी के साथ आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया, तो चलते हैं अंदर। सारे अंदर बैठे हुए हैं, सबके साथ आपको एक बार ही मिलवाता हूँ और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि कौन कौन जा रहा है। लाइक ये सारा एक तरीके से ना ये बंच ऑफ सोलो ट्रैवलर्स है, सारे सोलो ट्रैवलर्स हैं इसके अंदर। एंड ऑफ ये देखो, ये सारे लड़के हैं जो अपने साथ जा रहे हैं। हेलो, अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं पीयूष, पीयूष गुड़गांव से आ रहा हूँ। ऊंचा बोलो थोड़ा सा। मैं पीयूष गुड़गांव से आ रहा हूँ, स्मृति को। ओके ग्रेट, एंड यू सर? आई एम विजय फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई? मैं सुहेब हैदराबाद से आ रहा हूँ, स्मृति वाली जा रही। वाओ, हैदराबाद। सुहेब फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद। हे, दिस इज कुणाल फ्रॉम पुणे। ओह माय गॉड, पुणे, पुणे, हैदराबाद, हैदराबाद, चेन्नई एंड गुड़गांव एंड फ्रॉम डेली, इज आर गाइड। तो बैठे हैं अभी हम लोग डिनर करने, डिनर करते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे, ठीक है? गलती से मैंने पर हाथ पूरे फ्रीज हो गए हैं, हालत खराब है। मिलते हैं आगे। तो व्हाट्सअप गाइस, हम रुके हुए हैं रामपुर के एक होटल के अंदर और अभी हम जा रहे हैं आसपास की मार्केट एक्सप्लोर करने। देखते हैं क्या मिलता है, क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे, जो करेंगे बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये लड़के भी तैयार हैं। हेलो, ये भी सारे जा रहे हैं, सारे सोलो ट्रैवलर हैं, इन दोनों को छोड़ के। जल्दी उठा फटाफट, कौन नहीं कॉल उठा रहा? अगर तुम लोग नहीं उठे तो लोग शॉल खींचने वाले। हाँ, खींचो 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 खींच दो खींच। अरे ये तो कॉल नहीं उठा रहा, ये उधर जाके सोया हुआ है। आप बोलो, आप बोलो, मैं 500 रुपए दूंगा, मेरी शॉल छोड़ दो। चलो भैया उठो। वैसे हालात वही है इस टाइम पे कि 500 रुपए दे दो और रजाई ले लो। नहीं, वो कॉल नहीं उठा रहा। तो क्या हो गया, हम पैदल चलेंगे आसपास, छोटा मोटा ऐसे एक्सप्लोर करके आएंगे।
जिंदगी के मजे देख रहे हो कि मजे है जिंदगी के, कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। गाड़ी में ठहर कर उछल ले मैं वीडियो शॉट पॉपकॉर्न की तरह। घर से कोई भी गम बूट लेकर नहीं आएगा, एक ही बंदे ने ना सबको डरा दिया और सबने ले लिए। बंदा यही है, वो यही बंदा, वो इसी ने डराया सबको। सेकंड बंदा यहाँ की है, ये वाला सेकंड ईयर। नहीं, मैंने बोला मैं लेके आया हूँ लेके आया हूँ सबने डर के मारे ले लिए इंक्लूडिंग यू। सही बात है, मैं आपको डर गया। साइकिल बड़ी सही है यार तेरी। मैंने साइकिल पकड़ ली आपकी। क्या नाम है आपका? जय आदित्य। साइकिल पर लाइट नहीं है आपके? नहीं। आपके भैया? नहीं। उनके साइकिल को पकड़ सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिठा ले यार, लिफ्ट दे दे। आगे तक छोड़ दो।
बेटे मैं दिल्ली से ही, हम लोग दिल्ली से। आपका क्या नाम है? चेतन। क्या करते हो? क्या करते हो? स्टडी करते हो? कौन सी क्लास में? फिफ्थ के अंदर। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ बर्फ पड़ती है यहाँ पे, यहाँ मार्केट में। कब? कल पड़ेगी कह रहे हैं सारे, गंदी वाली पड़नी है। हैं? फिर स्कूल की छुट्टी होगी क्या? स्कूल जाना है 15 तारीख तक छुट्टी है, और उसके बाद फिर स्कूल रेगुलर जाना है। और जब स्कूल जाना होता है, जब बर्फ पड़ती है, फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? मस्तियाँ मारते हो। ये कौन सा स्टैंडर्ड में हो? फिफ्थ में। स्कूल यहाँ से कितनी दूर है? अच्छा, पास में ही है। ठीक है। बच्चे दूर 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 से भी आते हैं स्कूल में पढ़ने? कहाँ कहाँ से आते हैं? कितनी दूर से आते हैं? कितने किलोमीटर दूर से आते होंगे? 35-35 किलोमीटर दूर से आते हैं। कैसे आते हैं? पैदल आते हैं कि गाड़ी वाड़ी पर आते हैं? अच्छा, ऑटो पर आते हैं। सही है। ठंड लगती है तुम्हारे को? थोड़ी लगती, ज़्यादा लगती है? यार तुम्हारे को तो नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा, तुम्हारे को तो थोड़ी सी लगनी चाहिए। तुम तो यहीं पर रहते हो ठंड के अंदर ही। फिर और सब बढ़िया? चलो मिलते हैं। अभी हम लोग बैठे हुए हैं रामपुर मार्केट में। ये मार्केट हिमाचल के अंदर है, और हर बंदा आगे ना डरा ही रहा है। डरा क्या रहा है? कल बर्फ़ पड़ने वाली है, बहुत गंदी वाली। कल और परसों कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वाली बर्फ़ पड़ेगी। उस चक्कर से ना हम लोग अपनी लगे हुए सारे तैयारियाँ कर रहे हैं। कोई स्वेटर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। मैंने भी ये बूट वगैरह लिए हैं, गम बूट लिए हैं, कि कल हमने स्नो में जा रहे हैं। पता नहीं कितनी बर्फ़ होगी, क्या टेम्परेचर होगा, ये तो कल ही पता लगेगा। बट हर जो आ रहा है डरा रहा है, जो आ रहा है डरा रहा है। बाकी कोई बात नहीं, देखी जाएगी। जो होगा डरते नहीं है। वैसे मैं अपनी तैयारी पूरी कर कर आया। ये देखो लड़का स्वेटर लेकर आ गया। स्वेटर ले आया तू? क्या लेकर आया फिर? ग्लव्स दिए? एक और तो ये हमारा फर्स्ट डे था, जिस दिन हम सारे सोलो ट्रैवलर्स इकट्ठे हुए और आहिस्ता आहिस्ता अच्छे दोस्त बन गए। और उस दिन सारी रात एक दूसरे को खूब रज के डराया माइनस टेम्परेचर को लेके, क्योंकि ये सब लोग साउथ इंडियन साइड से थे। और खूब खाया पिया, मस्ती मारी और सो गए, पर वीडियो को एंड करना भूल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा वाले थके हुए थे। बट जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, क्योंकि बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है।